तू सेंटर पे आना बाबा, आगे पूछना हो। From the top. नमस्ते मेरे प्यारे सभी बड़े भाइयों को, मैं सौरभ, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और न्यू ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज गाड़ी की बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, इसलिए मैं घर से निकला हूँ उसको वॉश करवाने के लिए। और गाइस, कुछ इसके रेडियम जो मैंने लगवाए थे वो भी निकल रहे हैं, तो उसको भी लगवाना है, इसलिए मैं निकला हूँ। लस्सी वाने आपको एक वीडियो भी बना देता हूँ आपके लिए, बहुत दिन से वीडियो चैनल पे नहीं आ रहे हैं, इसके कारण मैंने सोचा कुछ चलते हैं गाड़ी को इसी बहाने वॉश करवा देंगे। और थोड़ा आज फ्री हूँ मैं काम से, मैंने कहा गाड़ी पे दे को धुलवा लवा दिया जाए, क्योंकि बड़ी गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई। अब दिखाता हूँ आपको, देखो कितनी ज़्यादा गंदी है वो साइड लगा के कहीं पर। और पहले इसके पहले चलते हैं एटीएम, एटीएम से निकालना है कुछ कैश, थोड़ा काम है। तो भाई साहब इस एटीएम में तो भीड़ लग रही है, इसे लगाते हैं इधर, देखते हैं। गाइस फाइनली कैश निकल चुका है, और चलो मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ कि ये गाड़ी की क्या हालत कंडीशन हो रखी है। कार्ड को रख लेते हैं जेब में, कैसे एटीएम कार्ड भी रखते हैं। और चलो आपको गाड़ी दिखाता हूँ कि गाड़ी की हालत देखिए कैसी गजा गंदी हो रखी है, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है भाई। उसके बाद राइट से आने के बाद मैंने गाड़ी को बिल्कुल साफ़ नहीं किया, और अभी भी घर से निकलते समय मैंने गाड़ी को साफ़ नहीं किया है। चलिए चलते हैं फिर आपको, पहले इसको वॉश करवाते हैं, फिर वो अपना बाकी पेंडिंग काम है जो रेडियम वाला उसको करवाते हैं। गाइस गर्मी बहुत तेज़ लग रही है, हेलमेट के अंदर पूरा गीला हो गया हूँ मैं। और फ्यूल पंप भी चलाना है भाई साहब, पेट्रोल डलवाना है। और आज थोड़ा भीड़ ज़्यादा लग रही है रोड में भाई, न्यू वाली किया सेल्टोस नए लोगों के साथ, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है लोगों का नया वाला। हाइपर राइडिंग करते हुए आगे निकले आए हैं, पेट्रोल पंप भी जाना पड़ेगा कि पेट्रोल बहुत कम है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। ज़्यादा कम भी हालत है गाइस, 110 रुपए लीटर, बहुत बहुत नाइंसाफी हो रही है हम लोग के साथ भाई, क्या बताएं, बहुत महंगी पड़ रही है बाइक राइडिंग। फाइनली पेट्रोल हमने डलवा लिया है, अब सीधे जाते हैं अपन जहाँ इसका रेडियम का जो काम है वो करवाना है। भाई जो उन्हें ग्राफिक लगवाए हुए थे बहुत पुराने हो चुके हैं, जिस कारण वॉश करवाते समय वो उखड़ गए हैं, तो उनको नए लगवाने हैं। भाई जिसके रिकॉर्डिंग मेरे को बजाज सर्विस एंड वो बजाज शोरूम जाना था भाई, मेरे को तो मालूम नहीं था शनिवार है, सैटरडे सैटरडे के दिन जबलपुर में, या तो मालूम नहीं हर जगह होता हो, लेकिन मेरे को हिसाब से जबलपुर में पूरे शोरूम जो हैं बाइक के वो बंद होते हैं, तो बंद है। मेरे को अभी मालूम चला, मैं शोरूम गया था तो देखा तो बंद है, तो जिस काम से आया था वो काम तो अपना नहीं हो पाएगा। चलिए अब इसके चलते हैं, पहले इसका रेडियम्स का काम करवा लेते हैं, फिर इसके चलते हैं इसे वॉश करवाते हैं एक अच्छी सी जगह पे। यहाँ से लेते हैं राइट, चलते हैं शिविक सेंटर, और इस पर यहाँ पर करवाते हैं ग्राफिक्स का काम जो कि मेरे को करवाना है थोड़ा सा, और फिर वॉश करवाते हैं फिर सीधे घर। आ गए हैं संगड़िया मॉल, और इस यहीं पर जितने भी रेडियम्स का काम है और नंबर प्लेट का काम इसी तरह होता है, आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। यहाँ से लेना है राइट, और जाना है जुनैद के पास, क्योंकि मेरी गाइस कल तक ग्राफिक्स और रेडियम्स का काम है, ज़्यादातर जुनैद से ही होता है, जुनैद ही करता है। तो भाई गाइस फाइनली अपन आ चुके हैं फैंसी रेडियम जुनैद भाई के पास, और ये खड़ी है अपनी पीछे कैट,
और इसके रिम्स में अपन को कुछ करवाना है मॉडिफिकेशन, जैसे कि देख सकते थोड़ी गंदगी हो रखा है, धुलवाना है। यहाँ पर अपन करवाने वाले हैं कुछ ग्राफिक्स इसके व्हील्स पे। और गाइस जो मैं आपको बताने वाला था कि हालांकि कुछ वाइट लगी मैंने पट्टी लगवाई थी, ये ख़राब हो गई थी, लेकिन मैंने इसको फिर से लगवा ली है। तो चलते हैं जुनैद भाई के पास, अब वो करेंगे अपनी गाड़ी का काम। भाई जल्दी कर दे यार जुनैद, भाई अपना काम चालू हो चुका है और इस वक्त अपना काम कर रहे हैं जुनैद भाई। फाइनली ग्राफिक कटिंग हो चुकी है और वो जा रहे हैं इसको बाइक पे लगाने के लिए, चलिए आपको दिखाते हैं। फाइनली व्हील मॉडिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है और कुछ इस तरीके से दिख रहा है जैसे आप देख सकते हैं। बस काम हो गया, हम निकलते हैं घर। घर तो नहीं गए, इसको भी वॉश करवाने के लिए जाना है, तो जाते हैं पहले इसको वॉश करवाते हैं फिर सीधी घर की ओर निकलते हैं। फिर आपको दिखते हैं मिलते हैं कैमरे पर। गाइस फाइनली जो व्हील ग्राफिक्स का काम था वो टोटली डन हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत गाड़ी सेक्सी लग रही है और थोड़ी सी गंदी है, माइंड मत करिए, जस्ट मैं जा ही रहा हूँ उसको धुलवाने के लिए, लेकिन गाइस मस्त लग रही है गाइस, आप देख सकते हैं। एक फोटो लेते हैं, चलिए चलते हैं गाइस। नहीं नहीं गाइस, काम जो कि अपना व्हील ग्राफिक्स का डन हो चुका है और इसमें जो खर्चा आया है वो मात्र 200 रुपये का आया है। और गाइस गाइस जो व्हील का लुक आ रहा है ना वो बहुत ही कातिल आ रहा है, बिल्कुल कातिल, जहर बोलते हैं इसको, उस टाइप का लुक आ रहा है। बस थोड़ी सी गाड़ी गंदी है, तो देखते हैं वो अच्छी सी बाइक शॉप, बाइक वॉशिंग शॉप पे चल के इसको अच्छे से वॉश करवाते हैं और फिर निकल जाएंगे अपन घर की तरफ। तो पहले चलते हैं अपन, इसको अच्छे से वॉश करवाते हैं, चलो मिलते हैं एक वॉशिंग सेंटर पे। गाइस फाइनली बाइक भी वॉश हो चुकी है, लेकिन मैं गाइस थक गया था, इसी कारण मैं बाइक वॉशिंग की वीडियो नहीं बना पाया हूँ। गाड़ी तो बहुत सेक्सी लग रही है,
उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी मोटिवेशन वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ऐसी बहुत सी मोटिवेशन की वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी, ब्लॉगिंग की वीडियोस मिलती रहेंगी, संडे नाइट की वीडियोस भी मिलती रहेंगी। इसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरा चैनल सब्सक्राइब। और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और न्यू ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।